हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जौहर अली में। आज मैं आप लोगों को ये ट्रैवलिंग बैग बनाकर दिखाऊंगा। ये हमारा ऐसा पॉकेट गार्डियन रहेगा और ऊपर का चैन हमारा ऐसा रहेगा मेन वाला और चैम्बर का, और दो चैन पॉकेट में होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आपको मेरे वीडियो से थोड़ा भी फ़ायदा होता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो 22 इंच टूरिस्ट बैग बनाने के लिए हम 18 बाई 13 इंच का दो पीस पल्ला ले लेंगे, एक फ्रंट और एक बैक के लिए। इसे हम ऊपर से इतना राउंड कर लेंगे दोनों को, और एक यहाँ नीचे सेंटर का निशान लगा लेंगे, और एक पीस पॉकेट के लिए कपड़ा लेंगे 18 बाई 11.5 इंच का, ठीक है। इसे भी हम ऊपर से राउंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम पॉकेट ही तैयार कर लेते हैं। तो पॉकेट का डिज़ाइन हम किस तरह से काटेंगे वो देख लेते हैं। इसे हम यहाँ से ऊपर से 2.5 इंच नाप कर एक यहाँ निशान लगा लेंगे बीच में। उसके बाद किनारे यहाँ हम एक 5 इंच का निशान लगा लेंगे, और इसे हम इस तरह से दोनों साइड से बराबर मिलाकर एक सेंटर का निशान लगा लेंगे इस तरह से। उसके बाद जो हमने 5 इंच का निशान लगाया है उस निशान से लेकर जो हमने 2.5 इंच का निशान लगाया है काटते हुए हम 5 इंच से 2.5 इंच को मिला लेंगे इस तरह से। उसके बाद इसे इस तरह से डबल करके इधर से भी काट लेंगे। और फिर इस तरह से डबल करके हम इसे दो पीस कर लेंगे। यह हमारा पॉकेट का डिज़ाइन कट चुका है। तो सबसे पहले हम एक टुकड़ा ले लेंगे कलर में, कलर कोई सा भी हो, लाइट कलर में होना चाहिए और 1.5 इंच चौड़ा होना चाहिए, और इसके इससे 1/2 इंच बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब हम इसे इसमें रख कर इसे सिलाई करेंगे, थोड़ा सा फोल्ड करके ऊपर वाला का थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर रख कर हम सिलाई करेंगे। दूसरा वाला को भी इसी तरह सिलाई कर लेंगे। इसे हम इस तरह से सिलाई कर लेंगे, बीच में करीब 2 सूता का गैप होना चाहिए, ठीक है, ऐसा सिलाई रहेगा। अब हम इसमें चैन लगाएंगे 8 नंबर। पहले हम चैन लगा लेंगे इसका ऊपर वाला में, इस तरह से उल्टा कपड़ा को रखकर हम सिलाई कर लेंगे। इसमें चैन लगाने के बाद अब हम इसके साथ इसे सिलाई करेंगे, यहाँ से बराबर रखकर थोड़ा सा नीचे वाला बाहर ही रखेंगे। यह हमारा इस तरह का रहेगा डिजाइन, ठीक है। एक हम इस साइड में एक स्टिकर लगा लेंगे। ये हमारा स्टिकर लग चुका है। अब हम पल्ला ले लेंगे और 2 इंच चौड़ा वाला बेल्ट ले लेंगे, 2 इंच चौड़ा और 44 इंच लंबा। इसको हम ये जो हमारा सेंटर का निशान है और ये इस साइड से दोनों साइड से बीच रख कर हम इसको सिलाई करेंगे इस तरह। ऊपर से करीब 2.5-3 इंच नीचे ही रहेंगे और इसको फिर इधर से घुमा लेंगे इस तरह से। ये इस तरह से हमारा बेल्ट लगेगा, और दूसरा वाला में भी हम इसी तरह से लगाएंगे। अभी हमारा दोनों में बेल्ट लग चुका है। अब हम वायर ले लेंगे और पतला वाला चाइना टेप ले लेंगे, और इसे इस तरह से हम इसे चाइना टेप से वायर को कवर कर लेंगे इस तरह से। अब हम इसमें वायर लगाएंगे। अगर आपको वायर लगाना नहीं आता तो मेरी बातों का, मैं जो बातें बताऊंगा उस पर ध्यान दें, आज के बाद से आप वायर लगाना सीख जाओगे। सबसे पहले हम कपड़ा को, नीचे वाला कपड़ा को दाब के रखेंगे, और जो वायर है हम उसको हल्का ठेल कर रखेंगे, ठीक है।
और जब कोना के पास आएंगे तो हाथ को और इस हाथ को दोनों को एक साथ घुमाने की कोशिश करेंगे। अगर बीच में कोई भी रुकता है तो कपड़ा मुड़ जाएगा। इस तरह से दोनों को घुमा लेना। यहाँ वायर को बराबर काट लेंगे और एक इसी का कपड़े का एक टुकड़ा लेंगे और यहाँ इसका हम जॉइंट लगाएंगे इस तरह से। यह हो गया। अब हम दूसरा वाला पल्ला में भी इसी तरह से वायर लगा लेंगे। अब हम पॉकेट में वायर लगाएंगे। उसके लिए हम एक अस्तर लेंगे पॉकेट के साइड से थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। यह हमारा पॉकेट में वायर लग चुका है। ये जो बड़ा हुआ है हम इसको छांट लेंगे। अब हम पॉकेट और चंबा के चनपट्टी तैयार करेंगे। इसका साइज होगा हमारा 24 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा, दोनों एक ही साइज करेंगे। और पॉकेट वाला में चैन लगाएंगे 8 नंबर और चंबर वाला में 10 नंबर। अभी हमारा दोनों में चैन लग चुका है और इस कपड़े का नाम है ज्योति चेक, ठीक है। ये ज्योति चेक का कपड़ा है। इसके बाद हम पॉकेट का साइज लेंगे। इसका साइज है हमारा 30 इंच लंबा और 2.5 इंच चौड़ा। और ये जो हमारा पॉकेट की चनपट्टी है हम इसे ले लेंगे और करीब इतना फोल्ड करके इसके ऊपर इस तरह से रखकर हम सिलाई कर लेंगे। इसे सिलाई कर लेने के बाद अब हम इसे यहाँ से करीब इतना फोल्ड करके पूरा हम इस तरह से सिलाई कर लेंगे। ये हमारा सिलाई हो चुका है, ये इस तरह का रहेगा। उसके बाद हम पॉकेट ले लेंगे और ये जो हमारा पॉकेट का साइड है हम इसे ले लेंगे और करीब इतना 1.5 इंच जितना हम इसको इधर से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। और फिर ये जो हमारा चैन है यहाँ से हम शुरू करेंगे। इस तरह से लगा लेंगे साइड को नीचे। और सिलाई कर लेंगे। ये हमारा सिलाई हो चुका है। अब इसे हम ये जो है इसे हम इस तरह से बराबर मिलाएंगे और एक सिलाई यहाँ पर कर लेंगे इस तरह से। ये हमारा सिलाई हो चुका है। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। ये हमारा पॉकेट पूरा रेडी है। अब हम इसे फ्रंट वाले पल्ला में इसे हम लगाएंगे। तो पॉकेट को किस तरह से लगाना है अगर आपको नहीं आता है तो यहाँ थोड़ा आप ध्यान दें। इस साइड और इस साइड दोनों साइड से हम पॉकेट को बीच में रखेंगे, ठीक है। और नीचे से ऊपर जितना हमारा जगह है नीचे थोड़ा कम जगह रखेंगे और नीचे से थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर हम जगह रखेंगे, जितना भी बड़ा पॉकेट है वो आपका, ठीक है। इस तरह से रख लेने के बाद अब हम इसे यहाँ से पूरा सीधा सिलाई करने का कोशिश करेंगे और इसे हम इस तरह से पकड़ेंगे। इस तरह से पकड़ कर हम इस तरह से एक यहाँ निशान कर लेंगे और फिर इसे हम यहाँ से सीधा सिलाई करते हुए यहाँ पर आकर रुकेंगे। ये हम यहाँ रुके और फिर इसे हम इस तरह से घुमा लेंगे और फिर यहाँ से हम ये जो हमारा जॉइंट है यहाँ तक हम सीधा आएंगे और इसे हम इस तरह से पकड़ लेंगे। इसको हम सीधा रखेंगे पूरा। इस तरह का पकड़ने के बाद हम इसको राउंड हमारा जैसा भी है हम इसको यहीं से दबाकर इसको हम सिलाई करेंगे। राउंड घूम जाने के बाद फिर हम यहाँ से पूरा सीधा लेके आएंगे और फिर यहाँ पर इसी तरह से हम पकड़ लेंगे और इसको यहाँ पर इस तरह से बैठा लेंगे। और फिर यहाँ आने के बाद फिर हम इसको इस तरह से पकड़ेंगे, फिर यहाँ एक निशान लगा लेंगे और फिर जो बाकी हमारा सिलाई है हम उसे भी कर लेंगे। ये हमारा पॉकेट भी लग चुका है। इसके बाद हम चैम्बर वाला चनपट्टी ले लेंगे और चैम्बर का साइड
और एक पल्ला, ठीक है। इसे हम इस तरह से नापी करेंगे, यहाँ से जो हमारा जॉइंट है बिट वाला, उस वहाँ से आप नापी करना शुरू करेंगे इस तरह। तो इस तरह से नापने के बाद जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पर हम इस तरह से इसे मोड़ लेंगे। इसे मोड़ने के बाद जितना हमारा बचता है उसे हम फिर एक बार और मोड़ लेंगे और फिर एक बार और मोड़ेंगे। आखिर में जितना बचता है ये हमारा सिलाई में दबेगा। चैन पट्टी को इस तरह से रख लेंगे सीधा और साइड को उल्टा इसको ऊपर रख कर हम सिलाई कर लेंगे। इस तरह से सिलाई करने के बाद हम इसे उल्टा कर लेंगे इस तरह। उसके बाद इसे हम इस तरह से रखेंगे और इस साइड से हम वायर लगाएंगे पूरा, जिधर चैन की तरफ नहीं, जिधर कपड़ा है उधर ही हम पूरा वायर लगाएंगे। इस तरह से हम इसमें वायर लगाएंगे। ये हमारा चैम्बर में वायर लग चुका है और फिर हम फ्रंट वाला पल्ला ले लेंगे और उसमें इस तरह से यहाँ पर मशीन वाला ऑयल लगा लेंगे। उसके बाद ये जो हमारा सेंटर का निशान है और इसमें जो सेंटर का निशान है दोनों को मिलाकर हम पूरा सिलाई कर लेंगे। ये हमारा सिलाई हो चुका है, अब हम इसे सीधा कर लेंगे। अब हम मेन चैन पट्टी तैयार करेंगे। मेन चैन पट्टी हमारा इस तरह का रहेगा। इसके लिए हम इसे इस साइड से 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। इस साइड हम 1.5 इंच का निशान लगा लेंगे और फिर इसे दोनों को बराबर मिलाकर हम सेंटर करेंगे। कर लेने के बाद इस साइड से हम 6 इंच का निशान लगाएंगे। और जो हमारा चैन पट्टी का साइज होगा वो लंबाई 24 इंच और चौड़ाई जो है 9.5 इंच का। इस तरह से दाग लगाने के बाद जो हमने 1.5 इंच का दाग लगाया है उस दाग से हम सीधा काटेंगे इस तरह। और फिर जो हमने 6 इंच का दाग लगाया है उससे करीब हम 2.5-3 इंच नीचे ही रहेंगे और फिर इसको यहाँ से इस तरह से राउंड करके जो हमारा सेंटर का बीच का निशान है वहाँ हम मिलाएंगे इसे। इस तरह से सेंटर का दाग में बीच के दाग में मिलाने के बाद हम इस तरह से करेंगे। और फिर इसे भी काट कर निकाल लेंगे। ये हो गया हमारा। अब हम इसमें वायर लगाएंगे। इस वाले में भी वायर लगा लेंगे। इसमें वायर लगाने के बाद अब हम इसमें चैन लगाएंगे। चैन लगाने के लिए हम इसमें थोड़ा मशीन वाला ऑयल लगा लेंगे। चैन इसमें हम 10 नंबर लगाएंगे। इसमें चैन लगाते वक्त ध्यान रखें ज़्यादा चैन को खींच कर नहीं लगाना है और ज़्यादा ढीला भी नहीं छोड़ना है। चैन लगाने के बाद हम इसे पलट लेंगे और फिर ये जो हमारा है इसके साथ में हम अभी से सिलाई करेंगे। इस तरह से बराबर रख लेंगे। नीचे वाला थोड़ा सा ना हो तो थोड़ा सा बाहर रखेंगे, एकदम जरा सा।
ये हमारा चैन लग चुका है। अब हम इसमें दो पीस रनर लगा लेंगे, एक इस साइड से एक इस साइड से। इसके बाद हम मेन साइड ले लेंगे। इसका साइज होगा हमारा 42.5 इंच लंबा और 9.5 इंच चौड़ा। और जो हमारा साइड है इसे हम इस तरह से बराबर करके एक सेंटर के निशान यहाँ और एक यहाँ लगा लेंगे। इसके बाद हम डी ले लेंगे। इसमें मैं डबल डी लगा रहा हूँ, आप सिंगल भी लगा सकते हो। इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे डी लगाने के बाद। और ये जो हमारा कपड़ा है और जो हमारा बेल्ट है दोनों को बराबर हम रख लेंगे इस तरह से। उसके बाद हम ऊपर से 1 इंच जगह छोड़कर हम सिलाई करेंगे। और फिर दूसरे तरफ भी हम इसी तरह से डी लगा लेंगे, 1 इंच नीचे ही रहेंगे और फिर घुमा लेंगे इसे। ये हमारा हो चुका है। और फिर हम एक 1.25 इंच या 1.5 इंच चौड़ा वाला बेल्ट ले लेंगे और इसे यहाँ पर इस तरह से सिलाई कर लेंगे दोनों साइड। इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे दोनों तरफ। अब हम इसमें बफर लगाएंगे, ये वाला, ठीक है। इसमें हम 5 पीस बफर लगाएंगे, एक यहाँ लग कर लगाएंगे, एक यहाँ, एक दो यहाँ और एक बीच में। अगर आपको समझ में नहीं आता कि डिस्टेंस हम कितना रखें तो आप जो आपका जो पल्ला है आप उसे ले लें और जो सेंटर के निशान है दोनों सेंटर के निशान मिलाकर इस तरह से रख लेंगे और बफर को इस तरह से रखेंगे, एक यहाँ और एक यहाँ। इस तरह से आप समझ सकते हो कि हमें कितना डिस्टेंस में बफर को लगाना है। इसी तरह से हम 5 लगा लेंगे। ये हमारा 5 बफर लग चुका है। उसके बाद हम बैक वाला पल्ला ले लेंगे और चैन पट्टी ले लेंगे और फिर इसे भी हम उसी तरह से नापी करेंगे। इसे नापी करने के बाद यहाँ से हम एक बार इसे मोड़ लेंगे और फिर एक बार और मोड़ेंगे। बस इसे हम 2 ही बार मोड़ेंगे। पहले वाला को हमने 3 बार फोल्ड किया था, इसे हम 2 ही बार फोल्ड करेंगे। और फिर हम साइड ले लेंगे और जो हम नापी करने के बाद जो इतना हमारा बच रहा है उतना हम इसके अंदर इस तरह से डाल लेंगे और डालकर सिलाई करेंगे। दूसरा तरफ भी इसी तरह से कर लेंगे। ये हमारा सिलाई हो चुका है। एक सिलाई हम और कर लेंगे मजबूती के लिए। उसके बाद हम इसे इस तरह से उल्टा कर लेंगे और हमारा जो बैक वाला पल्ला है हम उसे ले लेंगे। इसमें थोड़ा ऑयल लगा लेंगे हम। उसके बाद जो हमारा सेंटर के निशान है दोनों सेंटर के निशान को हम मिलाकर पूरा सिलाई कर लेंगे। ये हमारा बैक साइड भी अब पूरा तैयार है। उसके बाद जो हमारा फ्रंट वाला है हम उसे ले लेंगे और इसके अंदर इस तरह से डाल देंगे। इसे डालने के बाद जो हमारा सेंटर का निशान है दोनों सेंटर के निशान को हम इस तरह से मिलाकर सिलाई करेंगे। इसे सिलाई करते वक्त हम इस तरह से पकड़ेंगे इसे। एक हाथ हमारा यहाँ होगा, दूसरा हाथ का ये उंगली इसको हम बीच में रखेंगे, अंगूठा इस जगह पर और बाकी उंगली नीचे। इस तरह से हम पकड़ कर इस तरह से ठेलते हुए हम सिलाई करेंगे। ये हमारा सिलाई हो चुका है। अब इससे इसके नाप से थोड़ा सा बड़ा हम अस्तर ले लेंगे और इसी तरह से हम पूरा इसमें लगा लेंगे अस्तर को और उसके बाद फिर हम इसको सीधा कर लेंगे। अब ये बैग हमारा पूरा तैयार हो चुका है। अब हम एक 2 इंच चौड़ा वाला बेल्ट ले लेंगे, 48 इंच लंबा, ठीक है। और एक एडजस्टर ले लेंगे। बेल्ट को हम एडजस्टर में इस तरह से लगा लेंगे।
तरह से लगाने के बाद यहाँ हम सिलाई कर लेंगे इस तरह से। अब सिलाई करने के बाद हम इसे इसमें लगाएंगे। ये जो हमारा दिया है इसमें हम इस तरह से डालेंगे और फिर जो हमारा एडजस्टर है इसमें हम एक बार इधर से डालेंगे और फिर इस पर और फिर एक बार इधर से। इसे इस तरह से फंसाने के बाद एक सिलाई हम यहाँ भी कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।